आलू 40, प्याज 60 और टमाटर 100 रुपए किलो। किसानों के खेत में पानी नहीं, गरीबों के पेट में दाना नहीं, मजदूरों के हाथ रोजगार नहीं। इस त्रासदी से कब तक देश की जनता तिल तिल कर मरती रहेगी? कब तक अमीर दिनों दिन अमीर होते जाएंगे और गरीब? इन गंभीर विषय पर आज पटना में आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान ने केबीसी संवाददाता अमलेश आनंद के साथ बेबाकी के साथ सत्तारूढ़ पार्टी पर चर्चा की है। मेरे साथ हैं प्रवक्ता आरजू खान जी और हम इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि अभी विगत 2-3 दिनों से संसद में भी हो हंगामा चल रहा है, कुछ बिंदुओं को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के, जातिवाद से लेकर के जनगणना तक की, और पूरे देश में जो त्राहिमाम चल रहा है वो किसान और छोटे तबके के लोग, मजदूर क्लास के लोग, मिडिल क्लास फैमिली, महंगाई के विषय से, इन्हीं बिंदु पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। और स्वागत करते हैं आरजू जी आपका केबीसी में। और क्या चल रहा है सर ये देश में, ज़रा मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि अभी किस मुद्दे की बात मैं रखूँ और किसकी ना रखूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि जो बुनियादी सवाल है उस चीज़ को जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, वो सुनना नहीं चाहती है। वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की बात तो करती है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है, लेकिन आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण को तीसरी बार उन्होंने बजट पेश किया, उस बजट में उन्होंने महंगाई के 10 शब्द तक नहीं बोले। वो सवाल जो बुनियादी सवाल है, जो देश का हर नागरिक जानना चाहता है, जिससे उसकी रोज़ की रोज़मर्रा की जो उसकी भोजन है, भोजन व्यवस्था है, वो क्यों इतनी महंगी है? कृषि प्रधान देश, उसके बाद भी टमाटर 100 रुपये केजी क्यों है? प्याज 200 रुपये से ज़्यादा क्यों है 5 केजी? लहसुन 280 से 300 रुपये केजी क्यों है? हरा धनिया, हरा मिर्च या कोई भी चीज़ अगर आप ले लें, हम पहले वो रिफाइंड ऑयल जो होता था 120 से 90 से 100 120 रुपए केजी तक मिल जाता था लीटर तक, अभी वो भी 170 से 80 इसी मजबूत सरकार में हुए। मस्टर्ड ऑयल की वही हालत है। तो सर ये बजट लेकर के क्या हुआ, ये जो बजट बना, बजट गरीबी बढ़ाने के लिए हुआ या गरीबी घटाने के लिए, पैसा कहाँ जाता है सर? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश में ये खाई क्यों आई, इनके गलत नीतियों की वजह से आई ना। गरीब गरीब होते चला जा रहा है, अमीर अमीर होते चला जा रहा है, बीच में मिडिल क्लास पिसते चला जा रहा है, और मिडिल क्लास अगर नहीं बोलेगा तो शायद यही होगा। और देख लीजिए, ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले इस एनडीए गवर्नमेंट में, भाजपा की हुकूमत में, 30-35% देश का बड़ा एक वर्ग जो है अदर कंट्री में जाके बस चुका है, शायद उसकी वजह यही सब रही हो। सर ये सारे पैसे आपको नहीं लगता है, जैसे कि बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि विकास भी तो इतना हुआ है इसलिए महंगाई बढ़ी, क्या सारे पैसे बुलेट ट्रेन? और आप देखिए ये जो झूठ बोलते हैं, इनका चोली दामन का साथ है भारतीय जनता पार्टी का। बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं, महंगाई ख़त्म नहीं हुई, डीजल पेट्रोल सस्ते नहीं हुए, गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए, बिहार में बिजली सबसे ज़्यादा महंगा है, डबल इंजन की सरकार 18 सालों से चल रही है, हज़ार सबसे ज़्यादा जो है बिजली का यूनिट बिहार में है, स्मार्ट मीटर से आप काला कमाई कर रहे हैं, और पूरे देश में यही चीज़ चल रहा है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम बहुत विकास कर चुके हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देश में जा रहा है रोजी रोटी अपने तलाश करने के लिए। आप दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, दुनिया के तमाम जगहों पर पढ़ने के लिए नहीं, रोजी रोटी तलाश करने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग जा रहा है, देश का बहुत बड़ा एक हिस्सा जा रहा है। सर कैसे कहते हैं कि विकास नहीं हुआ? आपका BSNL चला गया सर इसके पास, टाटा के पास, अब क्या कहेंगे, इससे बड़ा विकास क्या हो? BSNL खत्म हो चुकी है देश से, शायद फिर ये जो महंगाई है ये जियो की, तो शायद फिर BSNL अपने ट्रैक पे आ जाए टाटा के लेने की वजह से। लेकिन हकीकत यही है कि देश की जितनी संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी थी, उसको बर्बाद किया है मोदी सरकार ने।
क्यों सर, सरकार के पास उतनी हिम्मत नहीं थी क्या जो अपने BSNL को अपने पास दोस्तों को अपने दोस्तों को फायदा देने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, उनको फायदा देने के लिए। इसकी वजह से जो सरकारी जो संस्थाएं थी, जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उसके ऊपर ताला लगाने का काम किया मोदी जी ने, जिससे गरीब मजदूर और देश का मिडिल क्लास आदमी उससे जुड़ा था और अपनी रोजी रोटी व्यापक करता था। आपने देखा कि इंडियन एयरलाइन से कितने लोग उनको वो बेरोज़गार हो गए, आपने देखा BSNL की वजह से कितने लोग देश में बेरोज़गार हो गए। इन्होंने नौकरियां छीनी हैं, जो सरकारी जो संवैधानिक जो पद था, जिसमें सरकारी जो कर्मचारी जो हुआ करते थे, उनसे इन्होंने तो छीना है ना। बहुत बड़े पैमाने पे छोटी छोटी कंपनियों को इन्होंने बंद किया, उससे नौकरी लोगों का इन्होंने छीना है। विकास कहाँ हुआ? विकास इनके पार्टी का हुआ, विकास इनके नेताओं का हुआ, विकास इनके दोस्तों का हुआ, विकास उन दोस्तों का हुआ जो दोस्त इनको 40% 30% पैसा लेके विदेशों में चले गए, देश का पैसा लेके। जैसे IDBI बैठ गया, पंजाब नेशनल बैंक बैठ गया, और भी कई बैंक जो है वो बंद हो गए, बैठ गए। बचा कौन? SBI बचा, HDFC बना बचा, एक्सिस बचा, ICICI बचा। ये सारे जो इनमें जो इनके दोस्त लोग जो निवेश करते थे, वो पता चलता है बैंकों का पैसा लेके चले गए। उसमें आपने देखा नीरव मोदी थे, विजय माल्या थे। अभी अभी आपने देखा कि प्रज्वल रवन्ना के साथ ये मंच शेयर कर रहे थे, उससे भी इन्होंने उससे पैसा लेके उसको इटली भगा दिया। तो देश का पैसा तो मोटा रकम लेके इनके दोस्त सगे संबंधी, इनको कह लीजिए गुजरात के सगे संबंधी, लेके चले गए। तो यहाँ विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी का, नोटबंदी करके विकास इनका हुआ। नोटबंदी का देख लीजिए, RBI का रिपोर्ट देख लीजिए। आप लोग विपक्ष में हैं और आप लोग विपक्ष में इस बात को उठा सकते हैं, जो गरीबी, जो बेरोज़गारी, जो महंगाई है, इस बात को लेकर के आप लोग क्यों नहीं कसान कसते? हम हर रोज़ प्रदेश की जनता और देश की जनता की आवाज़ विधानसभा से संसद सत्र तक उठवाते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, 10 सालों से उसको विपक्ष फ्री मिला था, उसने विपक्ष की आवाज़ इतनी मजबूती से नहीं सुनी थी।